स्त्री का सम्मान है कि नहीं है, क्योंकि स्त्रियां जो होती हैं समाज के अंदर, हमारे घर में पहली गुरु कौन है? स्त्री जो है पहली गुरु होती है। बच्चे को संस्कार कहाँ से मिलते हैं? स्त्री से। जो मैया होती है उससे तो मिलते हैं संस्कार। तो जहां पर स्त्रियों का अपमान होता है ऐसे साम्राज्य भी ढह जाते हैं। इनफैक्ट अगर कोई ब्रह्मचारी भी रहना चाहता है, ब्रह्मचारियों को कभी भी स्त्रियों की निंदा नहीं करनी चाहिए, माताओं की निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या वो स्त्री है, अरे वो तो नर्क का द्वार है, अरे तो ये आती हैं बुद्धि खराब करने के लिए, अरे तो उजाड़ होती हैं, अरे दिमाग थोड़ी ना इनके अंदर। अगर ब्रह्मचारी ने ये बोलना शुरू कर दिया उसका ब्रह्मचारी ज्यादा समय टिकेगा नहीं। इवन अ ब्रह्मचारी शुड सीक ब्लेसिंग्स ऑफ द मदर्स टू स्टे ब्रह्मचारी, दे ब्लेस। अगर वो ब्रह्मचारी अच्छी भावना से रहता है ना, माताओं का सम्मान करता है, माताएं आशीर्वाद देती हैं, अरे प्रभु जी आप ब्रह्मचारी रहो, आप ब्रह्मचारी रहो। वन माता जी ही, उन्होंने मेरी मूवी देखी द ट्रायल करके, एंड शी लाइक्स ना मैं ब्रह्मचारी रहूँ, अच्छी शी सीनियर माता जी एंड नाइस डिवोटी। क्या प्रभु जी भले ही आपकी द ट्रायल मैंने मूवी देखी थी, लेकिन बताऊँ सबसे अच्छा जो आपके ऊपर रहता है ना ये घिरवा कपड़ा लगता है, और कभी बाल नहीं हुआ ना आप ऐसे ही गंजे और ये सैफ्रॉन में अच्छे लगते हो आप, और मैं रुक्नी द्वारका जी से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा ऐसे ही रहो। तो माताएं जो हैं दे ऑल्सो ब्लेस अस दैट वी स्टे ब्रह्मचारी। तो अगर कोई ब्रह्मचारी भी हो उसको कभी वुमन हेटर नहीं होना चाहिए, उसको लगे कि आई विल बी वुमन हेटर एंड आई विल बी अ ब्रह्मचारी ना। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट देम एज मदर्स लाइक दैट। तो कभी भी जो है स्त्रियों का अपमान नहीं होना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।